हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास सेवेंथ थर्ड डी एक्सरसाइज डेसिमल्स। इसमें हमने फर्स्ट टू सेवेंथ हम जिसमें किए थे उसमें सिर्फ क्या था, डेसिमल्स कुछ नंबर्स दे रखे थे उनको हमने डिवाइड करना था, ठीक है। उसमें कुछ हंड्रेड के साथ था और कुछ वैसे मतलब डेसिमल वाले नंबर्स थे और कुछ विदाउट डेसिमल वाले नंबर थे। अब उन्हीं के बेस पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें हमें क्या, हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है उनको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट एट्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें द टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इज, मीन्स हमें क्या कर रखा है, 24 चेयर्स हैं उनकी कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। कितनी है, 9,255.60 रुपीज, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, मीन्स हमें 24 की गिवन है, वन चेयर की निकालें तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें ज्यादा चीजों की कुछ दे रखा हो रेट, अगर हम एक का निकाला तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स कितनी है, 9,255.60 रुपीज, ठीक है। उसके बाद क्या कुछ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, मीन्स हर चेयर मतलब एक चेयर की कितनी है, कॉस्ट ऑफ वन चेयर क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 60 अपॉन किसके साथ करना है, 24 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, ट्वेंटी फोर किसके साथ डिवाइड करना है, 9,025.60, ठीक है। इनको डिवाइड करेंगे, हम इनको डिवाइड करेंगे, पहले हम सिर्फ टू डिजिट को ले लेते हैं, 92 है तो 24 कितना होता है, 24 एंड 24 टू 48 एंड इसमें कितने पे जाएगा, 24 थ्री जा पे जाएगा 72। उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 गया इधर 0, 9 में से 7 गया 2, इधर हो जाएगा हमारा 5। उसके बाद कितने पे जाता है ये, 8 पे जाएगा, 8 पे क्या है 192, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें 1 by 1 डिजिट को उतारना है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आता है 3, यहाँ 1, इसके बाद किसकी टर्न आएगी 5, ठीक है। अब 135 किस पे डिवाइड होगा, 5 पे, तो 5 24 5 से कितना होता है 120, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 5, 3 में से 2 गया 1, इधर कितना, फिर डेसिमल है, पहले हम डेसिमल को यहाँ रखेंगे, फिर हमें क्या करना है 6 को उतारना है, 156 कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा, फिर 144, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आता है 120, मीन्स 120, और 24 5 से कितना होता है 120, मीन्स हमें ये कहां तक डिवाइड करना है, जहां तक हमारा नीचे कट के जीरो नहीं आ जाता है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना था, वन चेयर का निकालना था, मीन्स इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है 385.65, मीन्स वन चेयर की कॉस्ट कितनी है, 1.8 मीटर ऑफ क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर ए शर्ट, हाउ मेनी सच शर्ट can be made from a piece of cloth
45 मीटर लो, ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखा है, 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, मीन्स वन शर्ट का बता रखा है कि वन शर्ट में कितना लगता है, 1.8 मीटर, और टोटल क्लॉथ कितना है, 45 मीटर। तो इसमें ये निकालना है कि 45 मीटर क्लॉथ है जो, उसमें हमारी कितनी शर्ट बनेगी, मीन्स कितने वो बनेगा। अब क्या करना है इसमें, पहले देखते हैं इसमें सोल्यूशन में, टोटल क्लॉथ कितना है, 45 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, वन शर्ट में कितना रिक्वायर्ड चाहिए क्लॉथ, रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट, वन शर्ट के लिए कितना बोला इसने, 1.8 मीटर, ठीक है। इसमें आगे क्या पूछा है कि 45 में कितने बनेंगे, ठीक है, मींस अगर हमें कट करने के लिए एक पीस बता दिया गया है 1.8 है, तो कितने पीस बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल है, टोटल में से हम जो हमारा वन पीस है 1.8 है, उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि ये क्या है, पॉइंट में है, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल हटाने के लिए डिवाइड नहीं क्या करते हैं, इसके 10 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, इनको डिवाइड करना है, इनको डिवाइड कैसे करेंगे, 45/18, जो हमारा ये इसका जो डिनोमिनेटर ये ऊपर जाएगा, इधर हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, 2 5 10, 2 9 18, आगे क्या, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, अब क्या, 3 1 3, 3 5 15, और लास्ट में हमारा क्या बचा कट होने के बाद, 5 × 5 = 25 शर्ट। हमें क्या निकालना था कि 45 जो मीटर कपड़ा है उसमें हमारी कितनी शर्ट बनेंगी, ठीक है। वन शर्ट का कपड़ा ऑलरेडी हमें गिवन है, 1.8 था, तो हमें करना क्या है, पहले जो हमारा डेसिमल है हम उसको हटाएंगे, मतलब अगर यहाँ पे 1.8 था, मींस वन डिजिट छोड़कर हमने डिवाइड में 10 कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, कुछ ऐसा ही सम होगा उसमें, मतलब किसी में 100 किसी में 1000 ऐसे डिवाइड कर रखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सम में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट है 18, होल्ड 16.5 liters ऑफ ऑयल, ठीक है। आगे क्या है, हाउ मच सस्टेन्स, स्टेन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 178.5 liter ऑफ ऑयल। जैसा हमारा क्या था, वो शर्ट वाला था कि 45 मीटर लॉन्ग है, टोटल को हमें दिया हुआ था, और उसके बाद क्या था कि वन शर्ट में हमें कितना चाहिए, 1.8 मीटर। अब इसी में क्या कर रखा है कि हमें 18 होल्ड, मीन्स एक टीन का बताया गया है कि 18 क्या करती है, एक टीन के अंदर 16.5 लीटर आता है ऑयल, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि टोटल ऑयल कितना है, 478.5 लीटर है, ठीक है। अब ये बताना कि इतना ऑयल टोटल कितने टिन्स में आएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले क्या है सॉल्यूशन में हम क्या राइट करेंगे, पहले जो टोटल ऑयल है जितना भी, ठीक है, टोटल ऑयल कितना है, 478.5 लीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, वन टिन में कितना आता है, 18 होल्ड ऑयल कितना करती है, 16.5 लीटर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि ये टोटल कितने में आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमें टोटल ऑयल दे रखा है,
इसको डिवाइड करेंगे 16.5 के साथ, ठीक है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, पहले हमने क्या करना है, इनका पॉइंट हटाएंगे हम अपॉन 10, इसके अपॉन में 16.5 अपॉन 10, ठीक है। तो हमारा क्या जाएगा, जो ये दोनों नीचे फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे तो दोनों चेंज हो जाएंगे। जैसे ये है 10 है, 10 यहाँ और जो 165 वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया। जब भी कभी भी मैं दो फ्रैक्शंस ऐसे हैं कि एक पहले ऊपर है वो उसकी डिवाइड में है, तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन है वो उसका उल्टा होके, उसका रेसिप्रोकल होके वो हमारा ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर इसमें क्या करना है, 10 अपॉन 10 कट कर देना है। इसमें हम एक चीज और कर सकते थे, जैसे हमने चारों, दो यहाँ पे थी, दो यहाँ पे थी, 10 से 10 वहां पे भी कट हो सकता था, ठीक है। कभी फिर कंफ्यूज हो जाओ तो इस करके पहले इनको चेंज कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। अब क्या करना है, 5 3 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 15, यहाँ पे कितना है, 5 9 45 रह गया 2, तो 5 5 25, यहाँ पे कितना रह गया 3, 5 7 35। अब क्या करना है, इनको डिवाइड करेंगे हम, इसको करेंगे हम 11 के साथ, 11 3 33, इसको करेंगे 11 8 जा कितना होता है 88, 88 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है 7, यहाँ पे कितना 77, तो 11 7 77, ठीक है। अब ऊपर क्या है, जो 87 है और नीचे कितना है 3 है, इसके साथ डिवाइड करेंगे, 3 1 3 3 2 6, फिर 2 रह जाता है 3 9 27, मीन्स इसके लिए टोटल कितनी टीन्स चाहिए, 29 टीन्स रिक्वायर्ड फॉर 478.5 लीटर्स, ठीक है। इसमें क्या करना, 1 टीन को ऑलरेडी हमें गिवन है, इसके बाद हमें टोटल ऑयल बता रखा है, इसके बाद ये बताना कि कितनी टिन्स रिक्वायर्ड होंगी टोटल ऑयल के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सम है, आफ्टर प्रैक्टिस आप खुद प्रैक्टिस करके देखोगे, आई होप आपको डिवाइड समझ आ गया। तो फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, आप जो सम रह गए उनको प्रैक्टिस करते रहोगे। थैंक यू।